मायावी, रहस्यमयी, दुनिया के सबसे पुराने और अनोखे जंतुओं में से एक। लेकिन इनका अस्तित्व आज खतरे में है। दो लोग इनका भविष्य बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। सुबह के 4 बजे हैं। पापिकोंडा नेशनल पार्क के बाहर एक शिकारी तैयारी में जुटा है। झाड़ झंखाड़ को जलाने के लिए रात में लगाई गई आग की दिशा में वो आगे बढ़ता है। आग से डरकर जंगल के जानवर या तो उसकी तरफ आएंगे या दम घुटने की वजह से वहीं मर जाएंगे। अवैध शिकारी ईस्टर्न घाट्स में प्रोटेक्टेड एरिया समेत करीब 1,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका हर वर्ष जला देते हैं। इस तरह पूरा जंगल ही बर्बाद हो सकता है। यहां रहता है एक ऐसा अनोखा और दुर्लभ जानवर जिस पर अवैध शिकारियों की पैनी नजर है। वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट विक्रमादित्य भी इसी जानवर को ट्रैक करते हैं, पर इसे बचाने के लिए। लेकिन अवैध शिकारियों की लगाई आग से यहां हुए भारी नुकसान की वजह से इसे ढूंढ पाना मुश्किल हो गया है। इस जानवर का नाम है पेंगोलिन। ये प्रागैतिहासिक दौर का दिखता है, और सच तो ये है कि इसके पूर्वज डायनासोर्स के साथी हुआ करते थे। पेंगोलिन एक तरह का एंट ईटर है। ये अकेला ऐसा मैमल है जिसके शरीर पर स्केल्स होते हैं, और इसकी इसी खास बात की वजह से आज ये लुप्त होने के कगार पर है। मैं हमेशा जानना चाहता था मैमल्स के बारे में, और मैं सोच रहा था कि क्या स्टडी करूं नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स में। फिर मुझे पेंगोलिन का पता चला। जांच पड़ताल करने पर मुझे पता चला कि इनकी संख्या बहुत कम है, ये वाकई खतरे में है। तो अपने प्रोजेक्ट में मैं यहाँ पर पेंगोलिन की मौजूदगी और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानूंगा, साथ ही पेंगोलिन्स पर पड़ने वाले अवैध शिकार और व्यापार के प्रभाव का भी पता लगाऊंगा। लेकिन विक्रम के सामने एक कठिनाई है। अपने शोध के लिए अब तक उन्हें एक भी पेंगोलिन नहीं दिखा है, क्योंकि दुनिया में पेंगोलिन्स जैसे जंगली जानवरों की सबसे ज्यादा तस्करी हो रही है। मलेशिया में पेंगोलिन्स के 30 टन स्केल्स जब्त किए गए हैं। ये स्केल्स कुछ और नहीं बल्कि हमारे बाल और नाखूनों की तरह कैरेटिन से ही बने होते हैं। ब्लैक मार्केट में जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। खतरा हर तरह के पेंगोलिन को है। कुल मिलाकर दुनिया में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं, जिनमें से 4 अफ्रीका और 4 एशिया में मिलती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मिलते हैं चाइनीज पेंगोलिन, और इंडियन पेंगोलिन पूरे देश में पाए जाते हैं। लेकिन अब बचे कितने हैं? आखिरकार विक्रम ने एक ऐसा इलाका ढूंढ लिया जहां वो पेंगोलिन को जंगल में देख सकेंगे। आसपास के इलाकों में कई अवैध शिकारी हैं जो इन जानवरों का ठिकाना जानते हैं। कभी कभी आप पेंगोलिन्स को पकड़ते हैं और उसको बेचते भी हैं, तो इस काम को कैसे किया जाता है? हम इनकी तस्वीरें भेजते हैं व्हाट्सएप पर, और फिर वो इनका दाम तय करते हैं। फिर तस्वीरें देखने के बाद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं पेंगोलिन्स के लिए, हमको स्केल टेस्ट करने होते हैं इलेक्ट्रिक टेस्टर से। टेस्टर को स्केल्स पर रखने के बाद उसमें लाइट जल जाती है। उससे क्या होता है? ऐसा होने पर उसका दाम हजारों में जा सकता है। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, पर ऐसा ही होता है। पेंगोलिन जितना ज्यादा बड़ा होगा रोशनी उतनी ज्यादा निकलेगी, और वजन 15 किलो से ज्यादा होना चाहिए करीब 18-19 तक। वो जिंदा जानवर को ही खरीदते हैं। जीवित या मृत पेंगोलिन को पारंपरिक दवाइयों, लजीज पकवानों, विलासिता के सामानों और पेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन और वियतनाम में इनकी मांग सबसे ज्यादा है। इनका अंतरराष्ट्रीय अवैध व्यापार फल फूल रहा है। यहां तक कि भारत में भी इनका बड़ा बाजार है।
इसका इस्तेमाल किसमें होता है? ज्यादातर रिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको पॉलिश करते हैं, मतलब... लेकिन वो बस बड़े वाले इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले नहीं। अच्छा। क्योंकि छोटे वाले तो मेरे भी किसी काम के नहीं है। क्या आपको लगता है पेंगुलिन्स की संख्या बढ़ गई है या ये उतने ही हैं जितने पहले थे? उतने ही हैं, हो सकता है कि ज्यादा हो गए हों। इस गलत सूचना से व्यापार में और तेजी आ जाती है और इनका कत्लेआम लगातार होता रहता है। बचे हुए इंडियन पेंगुलिन्स जंगल, चरागाहों और खेतों में छितर गए हैं। खुराक के अलावा उनके बारे में किसी और को ज्यादा जानकारी नहीं है। अपनी लंबी चिपचिपी जबान से पेंगुलिन एक दिन में लगभग 600 ग्राम चींटियां और दीमक चट कर जाएगा, लेकिन खाने के मामले में ये बहुत नखरीले होते हैं। हालांकि इनके खाने के लिए बहुत से विकल्प मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये उनमें से भी बस 4 या 5 प्रजातियों का ही चुनाव करते हैं। यानी पेंगुलिन्स के साथ अब भी बहुत से राज जुड़े हैं, खासकर जंगल में इनकी तादाद को लेकर। पापिकोंडा नेशनल पार्क में विक्रम इनकी तादाद की गिनती करने में जुटे हैं, पर ये जानवर इनको बार बार चकमा दे जाता है। लेकिन विक्रम को पेंगुलिन्स के पसंदीदा पर्यावास के बारे में जानकारी हासिल है। तो ये चट्टानी इलाका ईस्टर्न घाट्स की खासियत है और डेक्कन प्लेटो का ज्यादातर इलाका पेंगुलिन्स के लिए बहुत बढ़िया पर्यावास है। विक्रम ने वॉल्केनिक रॉक्स के बीच अनेक संभावित मांदों की पहचान कर ली है। हर सुबह ये पेंगुलिन्स की गतिविधियों को चेक करते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पास उनके एकदम सही जीपीएस कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन क्या वो रात की गतिविधियों को कैप्चर कर सकते हैं? दस महीने से कैमरा लगाया हुआ है, फिर भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज इन्हें जो मांद मिली है उससे इनके नसीब बदल जाएंगे। इस मांद में पेंगुलिन के आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। इसमें घुसने की जगह काफी साफ है और मांद भी बहुत लंबी है। और ध्यान से देखें, यहाँ पर 2 अलग-अलग प्रवेश हैं और इसके साथ साथ इसमें नकली पार्टीशंस भी हैं। तो इस तरह से ये मिट्टी के पार्टीशन से प्रवेश को बंद कर देते हैं, इससे शिकारी भ्रमित हो जाता है। इसमें काफी संभावना दिखती है, ऐसा हो सकता है कि पेंगुलिन इस मांद में आए। हमें आज रात यहाँ रुक के देखना होगा कि कोई पेंगुलिन आता है या नहीं। एक्साइटमेंट की वजह से विक्रमादित्य पेंगुलिन की मांद पर लगे कैमरे को सुबह तक चेक करने का इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने सबसे पहले पेंगुलिन को यहां जंगल में देखने के लिए रात भर इंतजार करने को भी तैयार हैं। मांद के मालिक वापस आ जाते हैं, लेकिन ये पेंगुलिन्स नहीं बल्कि पॉर्क्यूपाइंस हैं। दोनों जानवर एक ही मांद में रहेंगे, लेकिन पॉर्क्यूपाइन के अंदर आने पर पेंगुलिन बाहर चला जाता है। इस रात के कई घंटे हमने यहाँ बैठे हुए बिताए, पर अफसोस की बात है कि एक भी पेंगुलिन नजर नहीं आया, जो कि सच में बहुत ही निराशाजनक है। पर अक्सर यहाँ रात को ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि इससे पता चलता है कि आज के समय में पेंगुलिन कितने दुर्लभ हो गए हैं। तमाम जरूरी आंकड़े जमा करने के लिए विक्रम का एक दूसरा तरीका है। वो सिटीजन साइंटिस्ट से पेंगुलिन साइटिंग के बारे में ध्यानपूर्वक बनाए गए क्वेश्चनेयर से जवाब देने की अपील करते हैं। पूरे भारत में पेंगुलिन्स की जितनी भी साइटिंग हुई हैं, उसके हिसाब से मैं सारी प्रतिक्रियाओं को कैटेगराइज करके उनकी मैपिंग कर रहा हूं, और साथ ही उन तमाम खतरों की भी, जैसे कि हंटिंग, पोचिंग और रोड किल्स भी। विक्रम द्वारा किया गया ऑनलाइन सर्वे उन्हें भारत के एक दूसरे हिस्से में करीब 1000 किलोमीटर दूर रह रहे एक और पेंगुलिन शोधकर्ता से जोड़ता है। भाऊ कटदरे अपना करियर छोड़कर पेंगुलिन को बचाने की मुहिम से जुड़ गए हैं और अब संरक्षण के क्षेत्र में वो एक पुरस्कृत नायक हैं।
2015 में वो इस काम से तब जुड़े जब उनके होम टाउन चिपलुन से करीब 30 पेंगुलिन्स के स्केल्स बरामद हुए थे। आज वो वैसे ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जैसी विक्रमादित्य के सामने हैं। मैंने इस जंगल में पेंगुलिन कभी देखा ही नहीं है। हालांकि जंगल में मैं इन पेंगुलिन्स पर ही काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस जंगल में कभी कोई पेंगुलिन देखा ही नहीं, यानी ये बहुत ही दुर्लभ हैं। भाव और उनकी टीम ने पेंगुलिन की संख्या, बर्ताव और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े प्रमाण एकत्रित करने के लिए चिपलुन के आसपास 40 कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं। हो सकता है कि आज रात पेंगुलिन्स कैमरा ट्रैप में नजर आ जाए। इन ट्रैप कैमरा के जरिए हमने एक्टिव पेंगुलिन्स की करीब 18 मांद का पता लगाया है और साथ ही हमने अलग अलग स्पॉट्स की लगभग 75 तस्वीरें ली हैं। ओह, बहुत अच्छे, वाह। मुझे लगता है कि ये कामयाबी बहुत बड़ी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। विक्रमादित्य को भी सफलता हाथ लगी है। उनका ऑनलाइन सर्वे तेजी से आगे बढ़ते हुए महत्वपूर्ण आंकड़े मुहैया करा रहा है। हमें हर महीने करीब 10 या 15 प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। 54% लोगों का कहना है कि उन्होंने पेंगुलिन्स जंगल में देखे हैं। इनके शिकार के ज्यादातर मामले पश्चिम भारत में देखे गए हैं और कई मामले सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप में भी देखे गए हैं और कुछ का उत्तर पूर्व में भी पता चला है। मैं सर्वे को करने जा रहा हूं ऑफलाइन और मैं करूंगा इन सर्वेस को एक बड़े स्तर पर इसी लैंडस्केप में। विक्रम का सर्वे 4 राज्यों में हो रहा है। यहां के ज्यादातर निवासी आज भी एक पारंपरिक जीवन जीते हैं। जीने के लिए ये लोग खेती नहीं करते हैं। भोजन और अन्य जरूरी सामान वो ज्यादातर जंगल से जमा करते हैं। इनकी जिंदगी का स्तर बहुत बुनियादी है, पुरानी परंपराएं और साधारण औजार। आज भी ये लोग धनुष और बाण से जंगल में पक्षियों और छोटे मैमल्स का शिकार करते हैं। कभी कभी ये लोग पेंगुलिन्स का भी शिकार करते थे, लेकिन एक दशक से ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब इनके रात के भोजन में ज्यादातर चिकन के साथ शोरबा होता है। पेंगुलिन का मीट बहुत कम खाया जाता है, लेकिन इन्हें अब भी याद है कि एंटीटर का शिकार कैसे किया जाता था। हम कुत्तों को साथ लेकर शिकार पर जाते थे, उनसे हमें बहुत मदद मिलती थी। कुत्ते जानवरों की गंध सूंघकर हमें उन तक ले जाया करते थे और फिर हम स्किल्स हटाकर जला देते थे और बॉडी को साफ करके खा जाया करते थे, समझे? पेंगुलिन्स को उबालते हैं और फिर इस तरह से उनके सारे के सारे स्किल्स हटा देते हैं। हम कांच के टुकड़ों से स्केल में तब तक सुराख करते थे जब तक वो बिल्कुल एक रिंग की तरह गोल नहीं बन जाता था। हालांकि अब ये लोग पेंगुलिन का शिकार नहीं करते, लेकिन पेंगुलिन के लिए खतरा अब भी कम नहीं हुआ है। जीवित पेंगुलिन्स के व्यापार में जबरदस्त तेजी आई है। खाने के बजाय जीवित जानवर को बेचना ज्यादा फायदेमंद होता है। पेंगुलिन का अवैध व्यापार गांव के स्तर पर कैसे संचालित होता है, इससे जुड़ी कुछ और जानकारी विक्रमादित्य को मिलने वाली है। उनके एक मुखबिर ने पेंगुलिन के एक एक्टिव अवैध शिकारी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। खेतों में बुआई के एक हफ्ते के बाद हम शिकार करने जाते हैं। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। शाम को जब महुआ का फूल खिलता है और जब मुर्गा बांग देता है,
तब पेंगोलिन बाहर आते हैं और महुआ के फूल की खुशबू काली चींटियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पेंगोलिन्स इन चींटियों को खाते हैं और फूलों को भी। तो शिकार करते वक्त हम टॉर्च को मुंह से पकड़ते हैं और तीरों से उनका शिकार करते हैं। उनके इस स्केल से घाव भी हो सकता है। अच्छा। और अगर ये अपनी पूंछ जोर से मार दें तो लोग मर भी सकते हैं। अच्छा, वाकई? जी, मर सकते हैं। स्केल से घाव हो सकता है? हाँ, घाव हो सकता है। शिकार करने के बाद जब इसे उठाकर लाते हैं तो इसे लगातार पीटते रहना पड़ता है। जब इसे लगता है कि आसपास लोग हैं तो ये गेंद की तरह गोल हो जाता है। तो इसे यहीं पर बेचते हैं या फिर? हाँ, यहीं बेचते हैं। इधर पास ही में एक दुकान है। अच्छा। चेन्नई से कुछ लोग यहाँ आए हैं और उन्होंने वो दुकान खोली है। वो स्केल्स खरीदते हैं और 1 किलोग्राम स्केल्स की कीमत यही कोई 13,000 या 14,000 रुपए तक होती है। हालांकि अवैध शिकारियों को अब भी यहाँ पेंगोलिन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को यकीनन मानते ही होंगे कि ये जानवर गंभीर खतरे में है। सब लोग जानते हैं कि पेंगोलिन्स की संख्या कम हो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि पूरे भारत और पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अगर लोग इस बात को समझें कि इस दशक में पेंगोलिन्स के विलुप्त होने का खतरा है, तो जितना व्यापार और जितना शिकार इनका होता है या फिर इनके शरीर के अंगों का जो व्यापार होता है, वो यकीनन कम हो जाएगा। वहीं भारत में दूसरी तरफ दूर दराज के गांव में जागरूकता फैलाने और स्थानीय जानकारी इकट्ठी करने के लिए पेंगोलिन कॉन्जर्वेशनिस्ट भाऊ कटडरे ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, इंडियन पेंगोलिन, जो अनेक नामों से जाना जाता है। यहाँ इसे कावले मंजर कहते हैं, जिसका मतलब है स्केली कैट। जब से हमने पेंगोलिन्स के संरक्षण का काम शुरू किया है, हमारे सामने कई तरह की मुश्किलें आई हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में ऐसी जनजातियां हैं जो अवैध रूप से पेंगोलिन्स का शिकार और व्यापार करती हैं। वो तो पेशेवर शिकारियों से तालमेल भी रखती हैं। क्योंकि हम लगातार काम करते रहे, इसलिए गांव के लोगों से हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने लगी है। लेकिन पेंगोलिन के अवैध व्यापार से होने वाली आमदनी की जगह इनके पास कुछ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प होने चाहिए, जैसे मधुमक्खी पालन। भाऊ अपना संदेश दूर दूर तक फैला रहे हैं और इस संदेश को हर जगह पहुंचाने का सबसे प्रभावी और भारतीय तरीका है साइन पोस्ट। गांव की सड़कों से लेकर मुख्य हाईवे तक हर जगह ये संदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इन संदेशों को अनदेखा कर देते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क और उसके आसपास कम देखे जाने वाले इलाकों में विक्रमादित्य ने पेंगोलिन्स के लिए एक और बड़े खतरे के बारे में जाना है, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। करीब 25 वर्षों के अंदर पार्क के अंदर मौजूद जंगल के 1/4 हिस्से को काट डाला गया है। खूबसूरत ईस्टर्न घाट्स का सिर्फ 3.5% हिस्सा ही संरक्षित है। जंगल पर निर्भर जानवरों को बहुत जल्दी खुराक से महरूम और बेघर होना पड़ेगा। और साथ ही यहां मौजूद है पोलावरम डैम, जो आंध्र प्रदेश का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक और इरिगेशन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है। इस वजह से नॉर्दर्न ईस्टर्न घाट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा जलमग्न होने वाला है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा गोदावरी नदी के आसपास का होगा और इससे निचले भाग में मौजूद सूखे जंगलों पर काफी असर पड़ेगा। और यही निचाई वाले जंगल पेंगोलिन्स का सबसे पसंदीदा पर्यावास है। तो पेंगोलिन के सबसे बढ़िया पर्यावास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है पोलावरम प्रोजेक्ट से। विक्रम का मानना है, जानवरों को कैप्टिविटी में ब्रीड करना एक उपाय हो सकता है। ओडिशा का नंदन कानन जू दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां इंडियन पेंगोलिन्स के साथ ऐसी कोशिश की जा रही है। यहां आखिरकार विक्रम को उस जानवर को करीब से देखने का मौका मिल जाता है जिसे वो बचाना चाहते हैं। Thank you.
पैंगोलिन का भविष्य वाकई काफी धुंधला लग रहा है। ये विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये और किसी भी प्रजाति से करीबी रिश्ता नहीं रखते हैं। तो अगर हमने पैंगोलिन्स को गंवा दिया तो इसका मतलब होगा कि हमने उस विकास प्रक्रिया से जुड़ी विरासत को ही खो दिया है जिसे कुदरत ने खास किरदार के लिए भेजा था। पैंगोलिन्स को खो देने का मतलब होगा उनसे जुड़ी सभी चीजों को खो देना। ये जानते हैं कि ये जीव यहाँ मौजूद है, विक्रमादित्य कितने पैंगोलिन्स बचा पाएंगे ये तो इन्हें भी नहीं पता, लेकिन ये तय है कि वो ऐसे शानदार जीवों को बचाने के लिए जूझते रहेंगे